महादेवी पोद्दार प्राथमिक विद्यालय कक्षा दूसरी विषय हिंदी परोपकार का फल। देखो बच्चों, तुम्हें पेड़ दिखाई दे रहा है जिसमें सेब लगे हुए हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो पेड़ होता है वो फल अपने लिए नहीं रखता, वो फल दूसरों के लिए ही देता है। पेड़ कभी भी अपना फल नहीं खाता, वह सब दूसरों के लिए ही देता है। तो इस तरह से जो पेड़ है वो हमारे ऊपर परोपकार करते हैं। अब हम दूसरे चित्र में देख रहे हैं, सूरज का चित्र है। सूरज हमें क्या देता है? उजाला देता है। तो उजाला हमें, वह हर लोगों को उजाला देता है, वह उजाला अपने पास नहीं रखता, इस तरह से वह परोपकार करता है। हम नदी देख रहे हैं, नदी में जल है और नदी कभी भी अपना जल खुद नहीं पीती, वह दूसरों को ही देती है। तो एक तरह से हमने देखा पेड़, सूर्य और नदी परोपकार करते हैं, यानी वो अपनी चीज़ें दूसरों में बांटते हैं। अब हम देखेंगे कुछ परोपकारी व्यक्तियों से हम मिलेंगे, जैसे सावित्रीबाई फुले। तो बच्चों, पुराने ज़माने में कन्याओं को यानी बालिकाओं को, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। और सावित्रीबाई जो थी वो पहली महिला शिक्षक थी जिन्होंने लड़कियों को पढ़ाया, और उनको पढ़ाने के लिए उन्हें अपना जीवन बहुत दांव पे लगाना पड़ा। लोगों ने उनके ऊपर फप्तियाँ कसी, उन्हें काफ़ी भला बुरा कहा, और जब वे स्कूल जाती थी तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, पत्थर मारते थे, तो भी उसकी परवाह किए बिना सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाया और अपना पूरा जीवन उनकी भलाई में लगा दिया। अब दूसरा चित्र है मदर टेरेसा का। मदर टेरेसा भी अनाथ बच्चों, बुजुर्गों की देखभाल करती हैं, उनका भी पूरे जग में नाम है। तीसरा चित्र है बाबा आमटे का, जिन्होंने कुष्ठ रोगियों की सेवा में, जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी सेवा में पूरा अपना जीवन बिता दिया। इस तरह हमने ये तीन परोपकारी व्यक्ति देखे। अब हम देखते हैं, पाठ पढ़ते हैं परोपकार का फल। तो देखो बच्चों, चित्र हमें दिखाई दे रहा है, उसमें राजा है, उसके पीछे उसका मंत्री है, और एक बूढ़े बाबा हैं जो पेड़ लगा रहे हैं, और कुछ ही दूर पर सैनिक खड़े हैं, हथियार लिए हुए खड़े हैं सैनिक। अब हम देखेंगे और पाठ पढ़ेंगे। एक राजा था, वह बड़ा ही न्यायप्रिय और दानी था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी, वह गुणी लोगों का आदर करता था। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि यह आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। अब देखो बच्चों, जो राजा है बड़ा ही न्यायप्रिय था, यानी न्याय करता था और दानी भी था, दान देता था। उसके कार्यों की चर्चा दूर दूर तक थी, उसके कामों की चर्चा। वह गुणी लोगों का आदर करता था, जो अच्छे लोग होते थे उनका सम्मान करता था। आदर करना यानी सम्मान करना। एक दिन राजा अपने विद्वान मंत्री के साथ जनता का हालचाल जानने निकला। उसने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते देखा। राजा जानता था कि आम का पौधा लगभग 10 वर्षों के बाद फल देगा। तो बच्चों, पहले जो राजा होते थे वे अपने राज्य का हालचाल जानने के लिए निकला करते थे, और उन्होंने एक बूढ़े आदमी को आम का पौधा लगाते हुए देखा, और उन्हें पता था कि आम का जो पौधा होता है 10 साल में फल देता है। कौतूहलवश यानी जिज्ञासावश वे उस व्यक्ति के पास जाकर राजा ने कहा, बाबा, यह तो आम का पौधा है, इसमें फल आने तक क्या आप जीवित रहेंगे? राजा की बात सुनकर बूढ़ा आदमी मुस्करा दिया। बड़ी सादगी के साथ उसने उत्तर दिया, मैं अब तक दूसरों के लगाए पेड़ के मीठे फल खाता रहा, अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। बूढ़े आदमी के उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत सोने के 10 चमचमाते सिक्के उसे इनाम में दिए। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो ना, पेड़ लगाए देर न हुई और इस पेड़ ने तो मुझे अभी फल दे दिया। तो देखो बच्चों, जब राजा जिज्ञासावश
उस व्यक्ति के पास जाकर उन्होंने कहा, अरे ये तो आम का पौधा है और इसमें फल लगने में 10 साल लग जाएंगे, तो क्या आप समय तक जीवित रहेंगे? तो राजा ने कहा कि सॉरी बूढ़े बाबा ने कहा कि मैं अभी तक दूसरों के लगाए हुए पेड़ के मीठे फल खाता था, अब मेरी बारी है, मुझे भी दूसरों के लिए पेड़ लगाने चाहिए। हाँ, सिर्फ अपने खाने के लिए पेड़ लगाना ठीक नहीं है। तो बूढ़े बाबा भी क्या कर रहे थे, परोपकार का ही काम कर रहे थे, यानी उन्होंने अपना नहीं सोचा, वे आने वाली पीढ़ी के लिए इस फल का पौधा या आम का पौधा लगा रहे थे। तो फिर उन्होंने उनके उत्तर से राजा बहुत खुश हुआ। तुम जानते हो राजा गुणी लोगों का आदर करता था, तो जब वो राजा बूढ़े आदमी का उत्तर सुनकर खुश हुआ और तुरंत ही उन्होंने 10 चमचमाते सिक्के उस बूढ़े आदमी को दे दिए। तो राजा तो मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, देखो पेड़ लगाते देर ना हुई और इस पेड़ ने अभी मुझे फल के रूप में 10 सोने के चमचमाते सिक्के दे दिए। तो सच है, ये बात सच है कि जो परोपकारी व्यक्ति हमेशा महान होता है, उसे हर जगह सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, यश मिलता है। सुनो और समझो, शहर, अब कुछ शहरों के नाम दिए गए हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे, नासिक, ये महाराष्ट्र के हैं। पाठशाला, पाठशाला में क्या क्या होता है हम देखेंगे। सैंपट होता है, कक्षा, स्वच्छता गृह, मैदान। जंगल, जंगल में क्या क्या दिखाई देता है हमें, जानवर, पेड़, पक्षी, पहाड़। बर्तन, अब हम देखते हैं रसोई घर में बर्तन होते हैं, कौन कौन से बर्तन होते हैं, थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच और भी बहुत सारे बर्तन होते हैं इत्यादि। सही वाक्य बनाकर लिखो, गुरुजी घर आओ आइए। बेटा जब भी हम बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं तो सम्मान के साथ बात करते हैं, तो हम लिखेंगे गुरुजी घर आइए, तुम मेरे साथ पढ़ो पढ़िए। जब हम अपने छोटों से बात करते हैं तो हम उन्हें आदेश देते हैं, तो तुम मेरे साथ पढ़ो, आप मुझे पेंसिल दो दीजिए। हम यहाँ पर आप लगा रहे हैं, तो आप मुझे पेंसिल दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्ते करो, तो ये आदेश है, हाथ जोड़कर नमस्ते करो। राजा और बूढ़े आदमी के संवाद कक्षा में कहलवाएं। तो बच्चों जब स्कूल शुरू होगी तो हम ये संवाद करवाएंगे तुम लोगों से। एक अक्षर का शब्द माँ है, 2 अक्षर का शब्द बेटा है, 3 अक्षर का शब्द भारत है, इसी तरह तुम्हें और भी आगे लिखना है। राजा की विशेषताएं बतानी है हमको। राजा की विशेषताएं क्या थी, कि वह दानी था और न्यायप्रिय था। तो बच्चों तुम्हें कौन सा फल पसंद है वो लिखना है, फल खाने से क्या लाभ होते हैं वो तुम्हें लिखना है, सही या गलत लिखेंगे। राजा न्यायप्रिय और दयानी था, तो सही है। बूढ़ा आदमी जामुन का पेड़ लगा रहा था, गलत है। राजा गुणी लोगों का अनादर करता था, गलत है। राजा ने बूढ़े बाबा को सोने के 10 सिक्के दे दिए, सही है। किसने कहा इसमें फल आने तक के आप जीवित रहेंगे, तो ये राजा ने कहा, इस पेड़ ने अभी मुझे फल दे दिया, बूढ़े बाबा ने कहा। धन्यवाद।